तो आज की हमारी क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि पिवट टेबल से कैसे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। चलिए इसी केस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा मेरे सामने है और मुझे ये पता करना है कि किस पर्सन ने किस सिटी में किस जोन में कितनी टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम यहाँ इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। इसके बाद मैंने नेम को रख दिया रो में और सिटी को रख दिया हमने कॉलम, और फिर हमने टोटल को रखा इसमें। तो ये देखिए वैल्यू आपकी जनरेट हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि सर आपका पिवट आज थोड़ा सा अलग इफेक्ट दे रहा है, ऐसा क्यों? क्या क्योंकि पहले तो इस तरह की चीजें नहीं आती थी ना, ड्रॉप रो फिल रिहर ड्रॉप इधर, इसी तो नहीं आती थी। ऐसा पीछे है कि ऊपर आप देखिए फाइल का नेम क्या है, कंप्यूटिव मोड दिख रहा है, मतलब ये फाइल जो है टू डॉट एक्सलेस एक्स की फाइल है, मतलब कि पुरानी एक्सेल जो होती थी ना सर वो सर फाइल, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब मैं इसको अगर इन्फो में आता हूं, कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया एंड ओके करता हूं, यस। अब इसको डिलीट करता हूं और फिर वापस पिवट लगाता हूं, इंसर्ट पिवट टेबल। अब देखिए सर, तो ये आपका लेटेस्ट जो एक्सेल है डॉट एक्सलिस एक्स, इसका फॉर्मेट हुआ, तो इसका भी ध्यान आप रखेंगे। तो जैसे नेम लिखा और हमने सीपी रख दिया कॉलन में, और यहां पे मैंने अपना जी टोटल दे दिया, तो ये हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया। सर इसमें और एक था कि इसमें जो हमेशा सम आता है मेरे कंप्यूटर पे, क्या हमेशा काउंट आता है, मुझे जाके फिर उसको सम करना हाँ, रहता है। काउंट जो आता है उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है कि आपका जो डेटा है हो सकता है कि वो देखिए दो चीज होती है कि डिफॉल्ट सम कब आता है आपका, अगर नंबर्स हैं तो डिफॉल्ट सम आएगा, अगर आपका करेक्टर है एबीसीडी है तो आपका काउंट आएगा। लेकिन कभी कभी नंबर के केस में भी होता है, तो हो सकता है कि इस कॉलम में कहीं एक जगह पे टेस्ट या कोई ब्लैंक हो, जिस कारण से हाँ, ये हो सकता है। ठीक, ठीक है। अब रिपोर्ट बना ली, इसमें दो चीजें हैं आप देखने लायक हैं। पहली चीज कि हमने सिटी को कॉलन में रखा, लेकिन याद रखिएगा हम सिटी को या कोई भी कॉलन में ऐसे फील्ड को रखते हैं जिसका लेंथ जो है कम हो, लिस्ट कम हो। जैसे मैंने सिटी के 9 लिस्ट डाल दिया, मान लीजिए कि अगर ये 200 सिटी होता या 300 सिटी होता तो काफी बड़ा हो जाता ना सर, तो स्क्रॉल करना मुश्किल होता ना, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम की तरफ जो हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल स्क्रॉल हम जल्दी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात आती थी क्या हम ऐसे केसेस में क्या करें जब मेरे पास सिटी की लिस्ट ज्यादा हो और मुझे दो के हिसाब से चाहिए, तो आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में ना रखें, आप इसको इस फॉर्मेट में रखें। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम उसी को रखते हैं जिसका लिस्ट हमारा कम होता है, इसको बोलते हैं हाँ मैट्रिक्स फॉर्मेट। क्लियर सर? जी सर, दूसरा एक चीज और था कि जैसे हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में सिटी को रखा था तो यहाँ भी बहुत सारे ब्लैंक रो थे, तो क्या जो ब्लैंक जो यहाँ पे ब्लैंक सेल है, मतलब ब्लैंक इसलिए है क्योंकि उस मतलब कि कानपुर में उस पर्सन का कोई सेल नहीं था, इस कारण से ब्लैंक हुआ। तो आप जो है राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ एम्पटी सेल पे 0 कर दीजिए ताकि जो ब्लैंक है वो 0 बन जाए। ओके सर, ओके। जीरो हो गया, जो ब्लैंक सेल है वो आपका 0 हो जाएगा। पहली चीज, अब मैं इसको अगर टोटल हटा देता हूं, इसमें वापस इस पे रखता हूँ सिटी को, तो और यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम नहीं अच्छा चीज है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आपका एक ही कॉलम में नेम और सिटी भी है, तो ये जो कोलैप्स और एक्सपेंड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आप यूज कर सकते हो।
अगर आप एनालाइज में जाते हो तो यहाँ आपको जो है कोलैप्स और एक्सपेंड मिलेगा, दिख रहा है सर? जैसे आपके पास कई सारे जो है, आपने जोन को भी उठा के इसके अंदर रख दिया, तो क्या होगा कि आप यहाँ से नेम वाइज रिपोर्ट आपका है, हमारे मुझे कविता का रिपोर्ट देखना है, क्लिक किया तो कविता का सिटी वाइज रिपोर्ट आ गई, क्या सर? यस। फिर किसी सिटी का जोन देखना है तो इसका जोन वाइज रिपोर्ट हम देख सकते हैं, क्लियर सर? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है कि इसका यूज हम तभी करते हैं जब हमारा किसी को रिपोर्ट पिवट के रूप में भेजना होता है। अब मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर वैल्यू पेस्ट कर दिया और फिर इसके ऊपर बाकी और कैलकुलेशन करेंगे, तो पता चल रहा है कि इसमें नेम कौन सा है, सिटी कौन सा है और जून कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा कि पहले कॉलम में मेरा नेम आए, दूसरे कॉलम पे मेरा सिटी आए, तीसरे कॉलम पे मेरा जोन है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पिवट टेबल के यहाँ पिवट टेबल इसे क्लिक करते हैं, पिवट टेबल के डिजाइन वाले जो व्यू है उस पे जाते हैं और यहाँ लेआउट दिखेगा आपको पिवट टेबल। अब इस लेआउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको आ रहा होगा, इसको टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं, टेबुलर फॉर्म में आ गया। मैं थोड़ा सा जोन को हटा देता हूँ ताकि नॉर्मल दिखे। अब यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं आप कि यहाँ टोटल आ रहा है, दिख रहा है सर? मुझे टोटल शो नहीं करना है, तो आप इसके राइट क्लिक कीजिए और यह दिखेगा आपको यहाँ पे सब टोटल नेम जो भी फील्ड होगा और उसका आएगा नाम, क्लिक कीजिए ये आपका सब टोटल हट जाएगा। वापस लाना है तो वापस लगा सकते हैं और हटाने के लिए भी सेम ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जब इस पे हम फिल्टर लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि जो पूजा है ना, आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए इसको कॉपी कर लिया अभी फिलहाल और कॉपी करके मैं दूसरे जगह पे इसको ले जाता हूं। अब मैं इस पे अगर फिल्टर लगाऊंगा तो पूजा से इसी को रिप्रेजेंट करेगा ना, इसको तो नहीं करेगा ना सर? तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के फिल्टर वगैरह पे प्रॉब्लम ना हो तो हम पूजा को इस तरह से रिपीट करना चाहते हैं, समझे? अच्छा, तो पूरा एक नाम एक साथ ही रहेगा। हाँ, इस तरह से, ठीक है? तो ब्लैंक जगह ना हो ये चीजें हम पिवट टेबल पे डायरेक्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल के डिजाइन में जहां आपने लेआउट सेलेक्ट किया था वहीं पे आपको दिखेगा रिपीट और आइटम लेबल, क्लिक कीजिए रिपीट हो जाएगा, हो गया। और कल मैं बताया था कि हम यहाँ से इंसर्ट ब्लैंक लाइन कर सकते हैं, हर एक फील्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाए, क्या? Yes। और यहाँ से आप रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं ब्लैंक लाइन को, और यहीं पे आप डू नॉट रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार बीट ना करके मर्ज कर देते हैं, क्या? हाँ, जनरली हम लोग यही करते हैं। पिवट टेबल में मर्ज नहीं कर सकते, पिवट टेबल मर्ज अलाउ नहीं करती है, लेकिन मुझे मर्ज करना है तो पिवट टेबल के ऑप्शंस के अंदर में मर्ज की फैसिलिटी है। पिवट टेबल ऑप्शन में आप जाते हो तो यहाँ आपको दिखेगा मर्ज एंड सेंटर, ठीक है? क्लिक कीजिए, ये आपका मर्ज, यहाँ पे आपका मर्ज हो गया सर। हेलो, कुछ डाउट इसमें सर? नहीं नहीं सर, इस तरह से हम इसको मर्ज कर लेते हैं। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि कभी कभी केसेस में हमें टोटल वगैरह जो है नीचे पीछे दिखता है नहीं चाहिए होता है, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से पिवट टेबल ऑप्शन की टोटल फीचर्स में शो टोटल रो टोटल इसको हटा सकते। ऐसे मान लीजिए कि मैंने इस कॉलम को छोटा कर दिया सर, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश क्यों करेंगे बताइए आप? साइज मिलाने के लिए नहीं, नहीं, जो चेंजेस किया उसको इंपोर्ट करने के लिए। हाँ, तो ये वापस आपका ऑटो फिट हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग रिपोर्ट फॉर्मेट सही करते हैं फिर वापस हो जाता है। तो पिवट टेबल में आप यहाँ दिख रहा होगा कि ऑटो फिट कॉलम व्हेन यू अपडेट,
प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन ए अपडेट, आप इसको हटा देंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा, और ये आपका जो फॉर्मेट है ये रख देंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई फॉर्मेट भी है जिसे कलर कर दिया, अब मैं यहां रिफ्रेश करता हूं, फॉर्मेटिंग क्यों होता, क्योंकि पिवट टेबल ऑप्शन में हमने यहां दिख रहा होगा इसमें प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग को अनचेक कर दिया था, चेक रहेगा तो आपने जो फॉर्मेटिंग किया हुआ ना वो राइट क्लिक करने पे रिफ्रेश होने पे गायब नहीं है, और अनचेक करेंगे तो गायब हो जाएगा, राइट सर? प्रिजर्व, ठीक है सर। डाउट इसमें नहीं, नहीं सर। अब मैंने कल बताया था आपको कि डबल क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मोहन दिल्ली में ये सेल किया है 1527736, मुझे इसका पता करना है कि कौन सा डेटा किया, तो मैंने बताया कि डबल क्लिक करने पे आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाता है क्या? जी सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई सारे लोगों को डबल क्लिक करने की हैबिट होती है, बहुत सारे लोग जहां तहां डबल क्लिक इस तरह से वो करते रहते हैं, अब एक तो प्रॉब्लम होगी ना सर। तो उस केस में आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में डेटा के अंदर में अनेबल शो डिटेल को अनचेक कर दें, दिख रहा है सेव डेटा सोर्स की फाइल, इसको अनचेक कर देंगे तो आपका डेटा सोर्स सेव नहीं करेगा, ठीक है, समझे सर? Yes, ये आपका पिवट टेबल के अंदर की सेटिंग्स थी, समझे? तो पिवट टेबल ऑप्शंस की हम बात करें तो ये तो आपका मर्ज था, मर्ज कर सकते हैं, उसके अलावा ये इंपिटिशन में क्या है, एरर हो तो क्या है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, टोटल एंड फिल्टर्स में आप अपना रो कॉलम टोटल फिल कर सकते हैं, और अलाउ मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड आप इसको अलाउ कर सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर में आप कॉलेक्स बटन डिस्प्ले कर सकते हैं, और बाकी और डिस्प्ले के ऑप्शन है, शॉर्टिंग का ऑप्शन है, डेटा में आपका वही डेटा है रिफ्रेश रिफ्रेश डेटा रिन्यू ओपनिंग में ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए जब फाइल ओपन हो, इसका यूज कर सकते हैं, लाइक इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल जो है हम आपके साथ बात करेंगे सॉर्टिंग फिल्टर मूविंग ग्रुपिंग के बारे में।